गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन शुक्ला शनिवार को अपने पुरखों की धरती मामखोर पहुंचे और वहां अपने पुरखों के परिवार वालों से मिले। कई दशक बाद अपनी धरती पर पहुंचे रवि किशन शुक्ला काफ़ी भावुक दिखे और वहां के लोगों से अपने जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। उसके बाद भाजपा मेगा स्टार प्रत्याशी रवि किशन ने महानगर के अलीनगर से जुबली रोड बख्शीपुर तथा चित्रगुप्त मंदिर से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा व मोटरसाइकिल पर बैठ के लोगों से जनसंपर्क किया तथा बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में जाकर चित्रगुप्त महाराज के दर्शन भी किए तथा लोगों से मोदी के पक्ष में कमल वाले निशान पर बटन दबा के केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने की अपील की। रवि किशन ने कहा कि देश के शान महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी को विजयी बनाए। भैया फोन भैया बैठ जाइए। ओम पदे प्रतिमादे पदे वरे स्वामी सदगरि वेरुनः पारिश्रवः श्री सांस्कृतिकाय पात्मा पाप संभव ताहिमान पार्वती नाराय नमः वंदे देव उमा पति मथुर गुरु वंदे जगत कारणा वंदे पन्नक भोजन मृगधर वंदे पशुनापति वंदे सूर्य शशांक भयनि नयन वंदे मुकुंदा प्रिया वंदे भक्तजन श्रियं च वारद वंदे शिवं शंकर हमारे पास माटी इतना सुंदर माटी जवानों की माटी वाह संदेशा पूरे देश में पूरा मीडिया जानी की आज मेला भाई आज तक भी आ गए हैं। यार आप इधर से ले यार आप पहले केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हाथुलिंगे हस्तप्रक्षालनं गोविंदाय नमो नमः अवित्रः अवित्रो वाडरवावस्थाङ्गदो विवायास्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरः रुचिः पुण्डरीकाक्षपुरातो पुण्डरीकाक्षपुरातो स्वस्ति तिरुका ॐ माधवस्ते न इन्द्र वृद्धशरावाधवस्ते न गोगाद्विषभावे दादवस्ते नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने मेरवस्ते नो प्रेहरवातिर दादातो। माता जी का ध्यान करेंगे, माता जी के श्री चरण कमलों में ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे, जो कामना हो उस कामना के लिए नस्तिदा वेषणा
कन्याकरबालखेडविलसद्धस्ताभिराशेविताम्पङ्गुरन्तर्जने विभ्राणाबललात्विकांशशिधरान्दुरगान्त्रिनेत्रां भजे प्रार्थनापूर्वनन्दानन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। वहीं पे झुक के प्रणाम कर लिए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तो प्रयत्नेन मया कृता। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवां त्राहिवां त्राहिवां त्राहिवां। पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हर सर्वदुःखहरो हर सर्वकष्टहरो हर। प्रेम बोलिए गजानन भगवान की जय। माता की जय। भगवान की जय। राम की जय हो। सनातन धर्म की जय। सनातन बाबा की जय। भैरव भगवान की जय। आदि आदि भाई साहब, रवि जी आपके गांव आज मामखोर आए हैं, जी जी जी। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अपने घर आए हैं, उनका स्वागत है। घर उनको आना भी है, रहना भी है। मैं पहली बार, क्योंकि हमारे पूर्वज आए यहां से गए थे। हमारे जैसे मेरे पिताजी श्याम नारायण शुक्ल, उनके बाप तेलुमल, तो वो आए। कला टाइप का लोग जो विरोधी दल है ना, सब पागल बवरा के बाल नोच रहा है। वो लोग बोल रहा है कि हम बाहरी हैं। अच्छा, जब आदमी हारने का देखता है तो अपना गोड़ अपने मुंह में लेकर अंगूठा चबाने लगता है। अच्छा, विरोधी दल लोग का यही हालत है। इन लोग का दिख, लोग अपनी हार दिख रही है, उनको जमानत जब्त दिख रही है। अच्छा, इन लोग सब समझ रहे, इन लोग का सबका जमानत जब्त हो रहा है। तो लोग बोले कि अरे बाहरी है, पता चले यह माटी का लड़का है। अभी थोड़ा सा हट जा सब लोग, यह लड़का हटो। हमारे भावना है, उनको स्वागत के लिए हम लोग पूरा गांव वाले खड़े हैं। और उनको हम लोग बहुत दिल से आश्वासन या आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो सांसद चुन के आएं, मंत्री बने, गोरखपुर का विकास करें और भाजपा पार्टी को मजबूत। कैसा लगा कि वो इतने दिन बाद अपने गांव आए? और क्या है कि ये मामखोर जो है एक गर्गों की भूमि है जी। कहावत है पुरानी, ऊपर स्वर्ग नीचे गर्ग, बीच में सब है। तो रवि जी आए, इतने भी शुक्ल लोग हैं, मामखोर से ही गए हैं पूरी दुनिया में। और रवि किशन भी उसी के एक हिस्सा है। आज अपनी माटी में आके अपने लोगों से मिलके वो और आशीर्वाद लेकर और शक्तिशाली हो गए हैं। ए पवन दुबे, अच्छा खाली समझे हर हर महादेव। एक बार खाली कायदा और जिंदाबाद मामखोर, जिंदाबाद मामखोर, जिंदाबाद मामखोर, जिंदाबाद। ए आशीर्वाद देते हैं, ये होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। रवि किशन जी विजयी हो, भारी मतों से जीत काम में सफल। कैसा लगा आज वो यहाँ इस गांव में है? बहुत अच्छा लगा है। कोई क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप उनको आज? कितने फसल हो रही है? अभी आपके प्रत्याशी जो हैं, आप लोग के साथ रिक्शे में सफर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अपने सामने जाकर भैया आ जाओ।